एग्जाम्पल नंबर 72 क्या कह रहा है आपसे, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ, एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है इतने, इस प्लेस क्लोज टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, एक आपके पास प्लेट है और ये एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रही है कितनी है, लेट अस सपोज कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी दी है, 4×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हमसे कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट, तो लेट अस सपोज कि पार्टिकल यहाँ है और प्लेट यहाँ है, पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा दे रखा है, −2×10⁻⁶ कूलम, पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, प्लेट के ऊपर प्लस का चार्ज है, इट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन लगेगा। अब ये पता होना चाहिए कि ये शीट जो है यहाँ पर कितना फील्ड जनरेट कर रही है, अगर आपको फील्ड पता चल गया यहाँ पर तो आप ये देख सकते हो कि इस फील्ड में इतने कूलम चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर लो। आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नियर द शीट, शीट के नियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू σ/2ε0, सिग्मा कितना है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, ये है 4×10⁻⁶, 2 ऐसे रहेगा, एप्सिलन नोट कितना होता है 8.85×10⁻¹2, ठीक है, 2 से 4 दो बार कट जाएगा तो ये लिखेंगे ऊपर को 2/8.85, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 10⁻¹2 ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, −6 पहले से ही था तो प्लस का 6 रह जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इतनी आ चुकी है न्यूटन पर कूलम, लेकिन आपसे फोर्स पूछा गया तो आप कहेंगे फोर्स ऑन कितने चार्ज पर, −2×10⁻¹ कूलम ड्यू टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ भैया उस पर फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, फोर्स कितनी लगेगी आपको पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से पता कितनी होगी भाई, मैंने कहा फोर्स ऑन इतने चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा Q×E, ठीक है, फोर्स आपको पता है Q×E, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू मैग्नीट्यूड रखेंगे 2×10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कितनी की है 2/8.85 और ये 10⁻⁶ है, −6 प्लस वाले 6 को खा जाएगा, 2×2=4 हो गए, 4/8.85 पॉइंट हटा देंगे नीचे 400 हो जाएगा, 5 से काटेंगे या एक काम कर लो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से या 400 को डिवाइड करो डायरेक्ट, पहले सिंपलीफाई कर लो 5 से काट लो, 5×8=40 80 हो जाएगा, और 5×5 3 बचे, 5×7=35 फिर से 3 बचे और 5×7=35 80/177, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं और इसको सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कितना है जल्दी से बताओ, 80 को डिवाइड करना है 177 से, नहीं जाएगा लगाएंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0, 177 ये आ चुका है। अब देखो सॉल्व करेंगे चार बार तो चला जाएगा, ये 17×68 177 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 401 हो गया, 7×28 280 एक हो गया और 28 एक हो जाएगा, तो ये 8 0 7 0 8 7 0 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 92 आ जाएंगे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे वैल्यू, अब देखो लगभग 5 बार चली जाएगी, कितनी बार चली जाएगी 5 बार, तो आपको आंसर जो मिला 0.45 न्यूटन का मिला, देखो सॉल्व भी किया आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन की, फोर्स कितनी आ गई 0.45, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि F जो आया 0.45 न्यूटन निकल कर आ गया, तो यही तो पूछा था, यही पूछा था कि फोर्स बताओ, इजी था, कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो तुरंत, अगर आपके पास बुक है ऐसा लोड़ा उठा लो, चैप्टर नंबर 1 देख लो, उसके अंदर एग्जांपल 72 का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, या तो आप ऐसा कर लो या फिर आप प्रॉपर तरीके से भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, प्रैक्टिस अच्छी करो, बिल्कुल दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई भी नक्शेबाजी नहीं, ना कोई यहाँ पर किसी तरह की कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, आप इसका प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाओ। थैंक यू सो मच, अगर आपकी समझ में आ गया थम्स अप कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें।